हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 7 मानदंडों के अंतर्गत 10वीं के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। इन 7 मानदंडों में 9वीं कक्षा प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एग्जाम प्री बोर्ड का पेपर जो बोर्ड के द्वारा लिया गया है का मूल्यांकन करवाकर और आंकलन कर विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुमेश कुमार सोनी ने 7 मानदंडों के आधार पर 10वीं के परीक्षार्थियों का रिजल्ट तैयार करने के लिए बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अक्षय सूद सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी मौजूद रहे। बोर्ड द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षाओं का संचालन पूर्व में करवाया गया था तथा विद्यालयों में प्रैक्टिकल तथा आंतरिक मूल्यांकन के अंक बोर्ड को प्राप्त हो चुके हैं। विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए मानदंड तैयार करते हुए सत्र एवं व्यापक मूल्यांकन पर भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विद्यालयों के प्रिंसिपल्स की अध्यक्षता में परिणाम संस्करीकरण समिति का गठन किया जाएगा जो निर्धारित 7 मानदंडों के अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार करेंगी तथा बोर्ड को उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अंकों को अपलोड भी किया जाएगा। बोर्ड ऑनलाइन कोडिंग मॉड्यूल तैयार करेगा। उस मॉड्यूल में सभी स्कूलों के विद्यार्थियों का डाटा अपलोड किया जाएगा। जो विद्यार्थी इस असेसमेंट से संतुष्ट नहीं होंगे, कोविड की हालत ठीक होने के बाद उनको पेपर देने का मौका भी दिया जाएगा। वहीं जमा 2 के स्टूडेंट्स को प्रमोट भी किया जाना है क्योंकि सरकार ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। CBSE और हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के जमा 2 की परीक्षा भी रद्द हो चुकी है। उसके लिए भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनेगा जो थोड़े दिनों के बाद जारी होगा और थोड़ा सा भिन्न होगा। उसके मानदंडों में कितने असेसमेंट दी जाएगी उसके बारे में विचार किया जाएगा। इससे पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड जमा 2 के लिए CBSE के क्राइटेरिया का इंतजार करेगा और उसमें कौन कौन से मानदंड और मानक होंगे उसके उपरांत ही स्कूल शिक्षा बोर्ड अपनी नोटिफिकेशन जारी करेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड ने इसके लिए बहुत मेहनत की। मेहनत करने के बाद एक बहुत ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया है और वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बहुत व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, यूनिफॉर्म है। वो क्राइटेरिया कल हमने नोटिफाई कर दिया, यानी 7 तारीख को वो नोटिफाई हो गया है। और 7 ऐसे पॉइंट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, जिनके आधार पर किसी भी बच्चे को असेसमेंट दी जाएगी या इवेलुएट किया जाएगा। ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के आधार पर और इवेलुएशन के आधार पर ये क्राइटेरिया बना है। इसमें 9th क्लास का भी वेटेज होगा और ऑफलाइन जो पेपर हुए उनका भी वेटेज होगा और ऑनलाइन जो पेपर हुए हैं बच्चों के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म उसका भी वेटेज होगा। कुल मिलाकर उनको जो असेसमेंट होगी बच्चे की, ऐसे अंक दिए जाएंगे उसे पास किए। प्रक्रिया तो 9 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी स्कूल स्तर पर, क्योंकि स्कूल की एक रिजल्ट टेबुलेशन कमेटी बनेगी और ये प्रक्रिया टेबुलेशन की इस महीने तक चलेगी, जून तक, और जुलाई के महीने में पहले हफ्ते तक सारा रिजल्ट कंपाइल करने का ऐसा सोचा है बोर्ड ने। कंपाइल करने के बाद घोषित कर देंगे पहले जुलाई के पहले हफ्ते में। प्लस टू के छात्रों को भी प्रमोट करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी हैं सरकार ने। CBSE के भी हो गए हैं, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के भी हो गए हैं। उसके लिए भी एक बड़ा व्यापक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनेगा, थोड़ा सा भिन्न होगा, उसके इंडिकेटर्स बढ़ाए जा सकते हैं और उन इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स पे असेसमेंट दी जाएगी तो उसके ऊपर हम सोच रहे हैं। पर पहले इंतजार करेंगे कि CBSE का क्या क्राइटेरिया आता है, उसमें कौन से मानक और इंडिकेटर्स रहेंगे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उसको नोटिफाई करना है। लेकिन काम हमारा चला हुआ है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और काम करने के बाद जो फिर लगेगा कि CBSE का भी क्राइटेरिया आ गया तो हम उसको देखकर पढ़कर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का भी क्राइटेरिया नोटिफाई करेंगे।